सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? क्या वे अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते थे? क्यों श्रीहरि ने रुद्रगणों के साथ युद्ध किया? ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, पूर्व काल में राजा छुओ की सहायता करने वाले श्रीहरि को दधीची मुनि ने साप दे दिया था, इसलिए वे भूल गए और दक्ष के यज्ञ में चले गए। प्राचीन काल में दधीची मुनि महातेजस्वी राजा छुओ के मित्र थे, परंतु बाद में उन दोनों के बीच बहुत विवाद खड़ा हो गया। विवाद का कारण मुनि दधीच का चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताना था, परंतु राजा छुओ जो कि धन वैभव के अभिमान में डूबे रहते थे, इस बात से पूर्णतया असहमत थे। छुओ सभी वर्णों में राजा को ही श्रेष्ठ मानते थे। राजा को सर्वश्रेष्ठ, सर्ववेदमय माना जाता है, यह श्रुति भी कहती है, इसलिए ब्राह्मण से ज्यादा राजा श्रेष्ठ है। राजा छुओ के कथन को सुनकर दधीची को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और छुओ के सिर पर मुक्के का प्रहार कर दिया। दधीच के इस व्यवहार से मद में चूर छुओ को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने वज्र से दधीच पर प्रहार कर दिया। वज्र से घायल हुए दधीच मुनि ने पृथ्वी पर गिरते हुए योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने तुरंत आकर दधीच मुनि के शरीर को पूर्वत कर दिया। शुक्राचार्य ने दधीच से कहा कि मैं तुम्हें महामृत्युंजय का मंत्र प्रदान करता हूँ, त्रयंबकम यजामहे, अर्थात हम तीनों लोकों के पिता भगवान शिव, जो सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं, सत्व, रज और तम आदि तीनों गुणों के महेश्वर हैं, जो आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, पृथ्वी, जल व तेज सभी के स्रोत हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों आधारभूत देवताओं के भी ईश्वर महादेव हैं, उनकी आराधना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात जिस प्रकार फूलों में खुशबू होती है, उसी प्रकार भगवान शिव भूतों में, गुणों में, सभी कार्यों में, इंद्रियों में, अन्य देवताओं में और अपने प्रिय गणों के क्षारभूत आत्मा के रूप में समाये हैं। उनकी सुगंध से ही सबको ख्याति एवं प्रसिद्धि है। पुष्टिवर्धनम, अर्थात वे भगवान शिव ही प्रकृति का पोषण करते हैं, वे ही ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों एवं सभी देवताओं का पोषण करते हैं। उर्वा रुक्मेव बंधनान मृत्योर मोक्षीय मामृतात, अर्थात जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर लता से टूटकर अलग हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं। हे रुद्रदेव, आपका स्वरूप अमृत के समान है, जो पुण्य कर्म, तपस्या, स्वाध्याय, योग और ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नया जीवन प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भक्त को मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे उर्वारुक, अर्थात ककड़ी को उसकी बेल अपने बंधन में बांधे रखती है और पक जाने पर स्वयं ही उसे मुक्त कर देती है, यह महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी मंत्र है। तुम नियम पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पियो। इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके विधिवत पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, वे सभी कार्यों की सिद्धि करते हैं तथा सभी बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दधीचि मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य अपने निवास पर चले गए। उनकी बातों का दधीचि मुनि पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव का स्मरण कर
उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने वन में चले गए। वन में उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घ काल तक वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। दधीची ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। उन्होंने महादेव जी की बहुत स्तुति की। शिव ने कहा, मुनीश्वर दधीची, मैं तुम्हारे इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। यह सुनकर दधीची हाथ जोड़े नतमस्तक होकर कहने लगे, हे देवाधिदेव करुणानिधान महादेव जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे 3 वर प्रदान करें। पहला यह कि मेरी अस्थियां वज्र के समान हो जाएं। दूसरा, कोई मेरा वध ना कर सके, अर्थात मैं हमेशा अवध्य रहूं। शिव जी ने तथास्तु कहकर 3 वर दधीचि को प्रदान कर दिए। 3 मनचाहे वरदान मिल जाने पर दधीचि मुनि बहुत प्रसन्न थे। वे आनंद मग्न होकर राजा छुओ के स्थान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर दधीचि ने छुओ के सिर पर लात मारी। छुओ विष्णु का परम भक्त था। राजा होने के कारण वह भी अहंकारी था। उसने क्रोधित हो तुरंत दधीचि पर वज्र से प्रहार कर दिया, परंतु छुओ के प्रहार से दधीचि मुनि का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह सब महादेव जी के वरदान से हुआ था। यह देखकर छुओ को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने वन में जाकर इंद्र के भाई मुकुंद की आराधना शुरू कर दी। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर छुओ को दिव्य दृष्टि प्रदान की। छुओ ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात छुओ बोले, भगवन, मुनि श्रेष्ठ दधीचि पहले मेरे मित्र थे, परंतु बाद में हम दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। दधीचि ने परम पूजनीय भगवान शिव की तपस्या महामृत्युंजय मंत्र से कर उन्हें प्रसन्न किया तथा अवध्य रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। तब उन्होंने मेरी राजसभा में मेरे समस्त दरबारियों के बीच मेरा घोर अपमान किया। उन्होंने सबके सामने मेरे मस्तक पर अपने पैरों से आघात किया। साथ ही उन्होंने कहा, मैं किसी से नहीं डरता। भगवान, मुनि दधीच को बहुत बड़ा घमंड हो गया है। जब श्री हरि को इस बात का ज्ञान हुआ कि दधीचि मुनि को महादेव जी द्वारा अवध्य होने का आशीर्वाद प्राप्त है, तो वे कहने लगे, छुओ, महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। यदि मैं इस विषय में कुछ कहूँ तो दधीच को बुरा लगेगा और वे साप दे सकते हैं। उन्हीं दधीच के साप से दक्ष यज्ञ में मेरी शिव जी से पराजय होगी, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु ऐसा कुछ जरूर करूंगा जिससे आपको विजय प्राप्त हो। मुक्ति है शिव महापुराण।